पूरा देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है। इस बार कोरोना संक्रमण की रफ्तार पहले से कहीं अधिक है और कई लोग इसकी जद में आ चुके हैं। इसी कड़ी में नाम जुड़ गया है बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा का। उन्होंने भी कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की है। शुक्रवार रात मदन मोहन झा ने ट्वीट कर संक्रमित होने की बात कही है। बताया है कि उन्होंने एहतियातन खुद को आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने बाकी करीबी लोगों से भी जांच कराने का अनुरोध किया है। यहां एक बात और गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज पटना के IGIMS अस्पताल में ले लिया था। कोरोना का पहला डोज लेने के बावजूद उन्हें कोरोना हो गया, समझ में तब नहीं आता जब पूरा देश वैक्सीन लगवाने पर उतारू है, उसी समय जिन्होंने भी वैक्सीन लगवाया है उनको दोबारा से कोरोना हो जाता है। तो आखिर हिंदुस्तान की जनता कोरोना की वैक्सीन कैसे लगवाए, यह भी एक सोचने वाली बात है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।